प्रदेश सरकार भले ही गांव के विकास को लेकर गंभीर हो, लेकिन इसका असर जमीनी स्तर पर अभी भी दिखाई नहीं दे रहा और सरकारी अधिकारी ही सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे हैं। मामला सिद्धार्थनगर जिले के विकास खंड मिठवल के ग्राम सभा समरहनी समरहना का है, जहां ग्राम प्रधान आवास योजना के तहत पात्रों को आवास न देकर अपात्रों को आवास दिया गया। सर्दी गर्मी और बरसात में ये लोग बिना आशियाने के ही खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई इन गरीब लोगों की सुध नहीं ले रहा। बहुत कह गया रहना आए जब बना किसे किसे की अब आए रहे ऐसे आवत रहे न अपना जोन है गंगा में तब दिखाई कि भैया हमारो नाई है घर और तो हमारो बनक चाहिए तो का ठीक है तो अभी तक जब आईबे नहीं की है। कई साल से बाटू छपरा मकान में अरे कहिए से है पक्का मकान नहीं है नहीं पक्का हमारे नहीं है। का गांव में ऐसे लोग हैं जो पक्का मकान मिला रहा हो और बन गया हो बना है जे कहते कहा पक्का छनियर रहा बन गया भाई जे का आवा मतलब ऐसा है कि जेकर पक्का रहा हो तेहू पाए गए है। हाँ पाए गए अभी इतना तो नहीं मालूम है जेके पक्का रहा। हमारे तो सास ससुर जब से है ऐसे पुराना घर जब से पड़को है वैसे घर और तो बनिया नहीं हमारा 10 साल से हमारे देखा थी जब से वैसी छे पुराना। तो क्या एक शिकायत आपके सरकार आवास देती है तो क्या आपके आवास ना मिला अभी तक बहुत से जनों आए रहे सबको बोले रहे मगर और लोग ठीक है बोली तब कौन कोशिश करे नहीं कौन बोले नहीं हमारे को जैसा का वही चीज है। बरसात के समय में आप कैसे रहती हैं इस घर में रहते हैं भगवान के कृपा से अल्लाह ताला बचाता है रहते हैं जब का करें बारिश वरिश होती है वैसे एकदम निको लेको गई मगर कि उसकी कोशिश नहीं करे वो लोग पांच पांच चार चार बच्चे है हमारे 7-8 बच्चों को लेको ऐसे गुजारा करा थी हमारे कौन भी हमारे कौन भी देखभाल नहीं करने वाले है कौन भी घर की हमारे घर की ऐसी हालत है। दूसरी तरफ मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर ने गरीब पात्रों को आवास देने का आश्वासन दिया। हालांकि मुख्य विकास अधिकारी ने आवास देने का भरोसा दिलाया है। जी हाँ यहाँ मिठवल का जो आप प्रकरण बता रहे हैं आप लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है और उसमें 2-3 लोग इस तरीके के आप लोगों ने बताए भी हैं जिसमें जो कि पात्र थे जिनको मिलना चाहिए था। इस प्रकरण की हम जांच करा लेंगे कि पात्रता के लिए सेक्स सूची में क्या उनका नाम है और यदि नहीं भी है तो क्या उनको छूटे हुए लाभार्थियों के सर्वे में ले लिया गया है। निश्चित तौर से इन 2 में से किसी एक सूची में उनका नाम जरूर ले लिया जाएगा और यदि वे पात्र थे और उनको आवास अभी तक नहीं उपलब्ध कराया गया तो इस विषय पर जांच होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिनको जरूरत नहीं थी उनको आवास देकर जरूरतमंद को ना देना कहीं ना कहीं सरकार के मातहत सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना को पलीता लगा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सिद्धार्थनगर से राशिद फारूकी की रिपोर्ट।